अदय जी, बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कही, जनरल बोगी बढ़ाने से लेके सफाई से लेके उन सभी चीज़ों के साथ अपने को जोड़ते हुए। चूँकि अदय जी, मैं आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ, आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। अल्लामा सिवली नुमानी, कैफी आज़मी, अयोध्या प्रसाद हरियोत से लेके तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की सरजमी रही है। अदय जी, आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है। आजमगढ़ के लोगों को जहाँ रोज़गार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज की ज़रूरत पड़ती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश की राजधानी दिल्ली है। इसलिए मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लिए आजमगढ़ से मुंबई, जो कोरोना से पहले, माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें, कोरोना से पहले आजमगढ़ से मुंबई एक रेल चलती थी जो कोरोना काल से बंद चल रही है। हमारा अनुरोध है कि उस रेल को, न केवल वो साप्ताहिक थी, उस रेल को हर दिन के लिए शुरू किया जाए, बल्कि साथ ही साथ आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ से इलाहाबाद, जहाँ पे इंटरसिटी से डेली लोग आगमन कर सकें, आ जा सकें, उसके लिए इस ट्रेन को भी शुरू कराने की कृपा करें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से दिल्ली जाने का केवल एकमात्र जरिया कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुंचेंगे इस बात की कोई भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है। इसे मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन, नई रेलवे, रेल ट्रेन शुरू करने की कृपा करें। मैंने जनरल बजट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजमगढ़ से, बनारस से बायां आजमगढ़ गोरखपुर तक नई रेल लाइन का बड़ा ढोर प्रचार किया गया। अध्यक्ष जी, हमसे पूर्व सांसद ने बहुत प्रचार किया कि हमने सैंक्शन करा दिया है, लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट न स्वीकृत है, न उस योजना का स्वीकृत है। सर्वे ज़रूर हुआ है, DPR ज़रूर बनी है, लेकिन उसकी स्वीकृति मंत्री जी और फंड अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ में जहानागंज से सठियाओं के बीच रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से घंटों जाम लगता है। इसी तरह से दो जगह और हैं, कोटवा मझगवां, बालीपुर से रानी की सराय, डुगवा कोटवा रेलवे पर अंडरपास की बहुत ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, एक बड़ा लेंगे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की 3 विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, और वो तीनों ही क्षेत्र सदे नेताजी की कर्मभूमि रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे। इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगें हैं, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूँगा।